और फिर बेच देंगे। उज़्मा, अबूजी आपने तमाम जिंदगी हम बहनों के लिए जिद्दोजहद की है। बुढ़िया, बहनें सदा ही एक घर में थोड़ी रहती हैं, बिछड़ जाती हैं। बाबा बीमार है ना, घर में खाने को भी कुछ नहीं है, मुंशी ने पैसे भी नहीं दिए, तो बाबा ने कहा था चाचा से कुछ लेकिन कुछ मिले तब ना। ये कागज का टुकड़ा तो कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है, ये तो बस एक ऐलान है कि मेरे पास इल्म है। मुझे तो अब पता चला कि जिंदगी है ही यही खेल, हर गुत्थी उसी वक्त सुलझती है जब हमारी उंगलियां सही डोर को पहचान जाती है। कभी मेरा ख्याल था कि मैं उसके जहनी कीमिया को तब्दील कर दूंगी, वो भटके हुए जहाज की तरह समंदर में लाइट हाउस की तरह मुझे देखेगा तो उसे अपनी मंजिल मिल जाएगी। क्योंकि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, तुम खुद अच्छी हो ना मरियम, पर जी वो आज़र नहीं आया ना। आ जाएगा, फिक्र नहीं। वो अलाई जी मुझे दोस्त हो, मंगे दो या महा से लड़ंदड़ सचो सिपाही, उन जी किरदार जी वे छमा करे न थी सका। तमी भूली अलाई जेस तई वतन जो हिकड़ो भी पुत्र हिकड़ी भी नियाणी बाकी आहे तमा जा नापाक इरादा कदे भी पूरा ना थींदा। रोकना टोकना है तो पाप बन कर रोकी। मैंने क्या कसूर किया है आपका कि मैं आपके प्यार से ही नहीं की डांट से भी महरूम हो गई हूँ। भाई चाय ले लो। दिलशाद भाई देखो मैं बड़े साई की सगी बहन हूँ और वैसे भी बाबा साई ने मरने से पहले मेरे से की सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। बड़े साई अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले तुम भाई जी से अलहदगी अख्तियार कर लो, उसके बाद तुम मुझसे मिल सकते हो। टेक केयर। सच मुझे भी बड़ी अपनायत मिली है यहाँ, वरना मैं तो बड़ी परेशान थी आने से पहले। और वैसे भी तैमूर साहब के होते हुए भला कोई उदास रह सकता है। वहां तो मैं कॉलेज जाती थी ना, तो फिर अगले दिन की तैयारी एंड यू नो बहुत डिफरेंट सिस्टम है हमारे एजुकेशन का। खैर छोड़, तुम मुझे बताओ तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? जब आप अपने घुमंड और तकब्बुर के रवैये को कौमी मिजाज का नाम देते हैं तो फिर इस पर पशिमान होने की वजह। नहीं सर, खिड़की मत बंद करो, अंबार नहीं देखेगा। खिड़की हमारे गाँव का हवा फेंकता है सर। प्यार करता हूँ लैला। तलाक दे दो उसे।